हाँ जी व्यूअर्स, दिस इज़ अ ट्रैक। हमें निकले हुए 15-20 मिनट हो गए। ये पहले वाली बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहुत स्टीप है। सी वो नीचे हमारे कैंप्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से हम आए हैं। तो ये बहुत स्टीप इंक्लाइन है, एकदम से चढ़ाई है ना, और जो कि टेस्ट करती है आपके लिमिट्स को। बट हम जा रहे हैं, गोइंग ऑन एंड ऑन। हालत तो ख़राब हो रही है लेकिन हम जा रहे हैं। सो सी कितना स्टीप ट्रैक है। नहीं मबास ब्रेसिंग हिमसेल्फ या और वो नागा ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, जिसकी मोहब्बत में हम यहाँ तक आए हैं। और दिस इज़ अ व्यू, सी वाट अ सीनरी, दिस इज़ अ पीस ऑफ हेवन रियली। और वो नीचे हमारे कैंप्स, और नीचे रूपल वैली, बहुत नीचे। या मैं ख़ुद को भी फोकस कर लूँ, या ये चीज़ ट्रैकिंग है तो गहरे गहरे सांस लेते रहें, इनहेल करते रहें, सो दैट आपको एनर्जी मिलती रहे। अब स्वेटिंग शुरू हो गई है। या दिस इज कूल। नीचे लश ग्रीन वैली है, रूपल वैली ही है, देखें तो इवन जब भी फिर आप 4000 मीटर्स पे आते हैं हाई एलिवेशन पे तो सब्जा कम होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है और ये जो वेजिटेशन है कम हो जाता है। देखिए ऊपर फिर आपको कोई ट्री नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 8 महीने तो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। सो ये जो ट्रैक है और ये जो नीचे हमने रात स्टे किया था कैंप, तकरीबन आई थिंक 3,000 मीटर्स पे होगा ये कैंप, तो ऑक्सीजन भी कम है बहुत। और अभी जब हम जा रहे हैं लातोबो तो तकरीबन 4,000 से 4,200 मीटर्स के लगभग होगी हाइट। तो इसलिए बहुत टफ जॉब होती है ये हाइकिंग करना, बट हम मोटिवेटेड रहे हैं हमेशा से, और अल्लाह का शुक्र है जो भी एम लेके डेस्टिनेशन सोच के आए हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने सेहत दी है और टाइम दिया है, सो वी आर डूइंग इट। और आगे मैं जाके आपको इसकी नागा पर्वत रूपल फेस की वॉल दिखाऊंगा, जो कि स्ट्रेट वे बेस कैंप से समिट तक 4,000 मीटर्स है, और उसको अनक्लाइंब है वो, मतलब उस रूट पे आज तक कोई भी नहीं समिट कर सका, कोई भी माउंटेनियर उसको समिट नहीं कर सका। अनक्लाइंब पीक है, वर्जिन पीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जो वो कम्प्लीट सामने आती है मेरे। स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।